अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी भी पोस्ट को यानी व्हाट्सएप के पोस्ट को आप आर्काइव कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आर्काइव करने के बाद में भी उसको आप परमानेंटली कैसे आर्काइव कर सकते हैं। यानी क्या होता है कि कभी कभी आप किसी भी पोस्ट को या फिर किसी भी ग्रुप को यानी किसी भी नंबर को या फिर किसी भी ग्रुप को आप आर्काइव कर देते, लेकिन जैसे ही कोई मैसेज भेजते वहाँ पर उस ग्रुप में या फिर उस पर्सन ने कोई मैसेज भेजा तो ऑटोमेटिक क्या होता है, नॉर्मली फ्रंट पे आ जाता है, यानी आर्काइव से अनआर्काइव हो जाता है वो, ठीक है, आर्काइव से वो हट जाता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि उसको परमानेंट कैसे कर सकते हैं और उस परमानेंट है तो उसको ऑन या ऑफ कैसे कर सकते हैं, कि वो परमानेंट आर्काइव रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए, तो आपको इसी के बारे में इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप अपना व्हाट्सएप जो है ओपन कर लीजिए। नॉर्मली व्हाट्सएप आपने ओपन किया, ओपन करने के बाद में आप कोई भी यानी जो भी आपका इसमें ग्रुप है या फिर जो भी आपका नंबर है वो आप चाहते हैं आर्काइव करना, सिंपली आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको ऊपर में नजर आएगा एक कुछ इस तरीके का सिंबल, सिंपली आप इसको में क्लिक कीजिए और आर्काइव जो ये हो जाएगा। तो उसके बाद में आपको एक ऑप्शन यहाँ पे नजर आने लगेगा, पहले नहीं आ रहा था, अभी नजर आने लगेगा आर्काइव्ड, सिंपली आप इसको में क्लिक कीजिए तो यहाँ पे ये आ गया। लेकिन अगर मैं अभी बताऊँ कि ये जो बंदा है, ये बंदा अगर मुझे मैसेज करता है तो डायरेक्टली फ्रंट पर आ जाएगा, यानी ये आर्काइव से हट जाएगा। जैसे ये आर्काइव में है ना अभी, तो ये आर्काइव से हट करके यहाँ पर आ जाएगा, नॉर्मली जिस तरीके से चैट करते हैं वहाँ पर आ जाएगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं गया वहाँ पर और इसके ज़रिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैसेज शेयर करूँगा, मैसेज सेंड करूँगा, अस्सलामुअलैकुम, मैंने मैसेज शेयर किया, मैसेज सेंड किया, और मैं व्हाट्सएप ओपन करूँगा तो देखिए वो यहाँ पे आ गया। बट मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये जो है आर्काइव रहे, तो ये आर्काइव ही रहे हमेशा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको मैं पहले देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसके ऊपर मैं लॉन्ग प्रेस किए हुए रहूँगा, ये दबाए हुए रखिए, उसके बाद में इसको आर्काइव कर दीजिए। आर्काइव करने के बाद में आपको ये जो ऑप्शन नज़र आएगा यहाँ पे, सिंपली आप आर्काइव पे क्लिक कीजिए और उसके बाद में आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा 3 डॉट, सिंपली यानी आप आर्काइव के अंदर में आकर के 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। सिंपली आप 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको नज़र आएगा आर्काइव सेटिंग्स, सिंपली आप इसके अंदर में जाइए, यहाँ पर आपको नज़र आएगा कीप चैट्स आर्काइव, सिंपली आपको इसे इनेबल करना होगा, इसे इनेबल कर दीजिए। आर्काइव चैट्स will remain archived when you receive a new message. अगर आप नए messages जो है वो रिसीव करते हैं तो भी आपका जो चैट्स है वो archived ही रहेंगे अगर ये ऑन है तो। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हो, यानी उस तरीके से नहीं हो कि चैट्स यानी कोई अगर मैसेज मुझे करे तो वो जो है मेरे फ्रंट पे आ जाना चाहिए, वो archived नहीं रहना चाहिए, तो आप इसे डिसेबल कर सकते हैं। बट मैं इसे इनेबल कर देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं archive कर रहा हूँ इसका मतलब है कि मैं उससे इरिटेट हो चुका हूँ, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको आर्काइव कर दूंगा हमेशा के लिए, कि मैसेज भेजे तो भी यहाँ पे आर्काइव होना चाहिए। अभी चलिए मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं आऊँगा, ये देखिए अभी वो नीचे में था तो अभी ये टॉप पे आ गया, जैसे उस सेटिंग्स को आप इनेबल कर दीजिएगा। तो उसके बाद मैं अगर मैं यहाँ से जाऊँ और यहाँ पर आकर के मैं फिर से मैसेज शेयर करूँगा, यहाँ पर अस्सलामुअलैकुम, मैंने मैसेज शेयर किया, उसके बाद में अगर मैं जाऊँगा व्हाट्सएप ओपन करूँगा तो ये जो है यहाँ से नहीं आया, लेकिन मैं आर्काइव पर क्लिक करके जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे मैसेज मिल चुका है, आ चुका है। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किसी भी ग्रुप को या फिर किसी के भी नंबर को आप कैसे आर्काइव कर सकते हैं आप अपने व्हाट्सएप में, और परमानेंटली कैसे आर्काइव कर सकते हैं, या फिर अगर आप परमानेंटली आर्काइव्ड है तो उसको कैसे आप यानी टेम्प्रेरी आर्काइव कर सकते हैं, उसे ऑन और ऑफ कैसे कर सकते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए क्या परेशानी है, और किसी भी सोशल नेटवर्क पर फॉलो नहीं कर रखे तो वहाँ पर जाकर के मुझे फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।